हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो यूपी TSSC की जो वैकेंसी आई है वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक, उसके फिजिकल को लेकर बहुत सारे डाउट थे आपके, उसको क्लियर करते हैं इस वीडियो में। सिर्फ हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे, तो जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर जो 12th पास है, 12वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, राज्य सरकार, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। तो जाइए अप्लाई कीजिए। लगभग 650 पद पर वैकेंसी है और अच्छी पोस्ट है अगर जो आपको नौकरी मिल जाती है। इसमें फिजिकल थोड़ा सा टफ है, उसके बारे में आइए नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करते हैं। तो आपके सामने ये टोटल डिटेल है। ऊंचाई की बात करें, हाइट सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 168 सेंटीमीटर न्यूनतम है, और महिला अभ्यर्थी की बात करें 152 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देख सकते हैं SC ST की बात करें अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम है, और वहीं जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर न्यूनतम है। वजन आपका 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए। सीना की बात करें तो 5 सेंटीमीटर फुलाव जान लीजिए यहाँ पे होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए डिटेल में देखते हैं। जो आपके शारीरिक दक्षता परीक्षण है वो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोग्राम का भार लेके 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने हैं। ये एक तरह से दौड़ लिखा है, लेकिन अगर जो आप 25 किलोमीटर मतलब थोड़ा तेज़ी से चलते भी हैं तो भी आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 10 किलोग्राम का भार लेके प्रैक्टिस करना है, 25 किलोमीटर है टोटल और 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी है। और महिला की बात करें तो यहाँ पे 10 किलोग्राम वजन यहाँ पर भी है, 14 किलोमीटर दौड़ है और उसे 4 घंटे में पूरी करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 11 किलोमीटर कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोग्राम वजन लेके 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, वहीं महिला अभ्यर्थियों को 10 किलोग्राम वजन लेके 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। ये टोटल इसको लेके आप में बहुत सारे डाउट थे, ये अभी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी से अगर जो आपको ये पेपर देना हो तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग फॉर्म भर दो। अगर जो इसके लिए तैयारी के लिए क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्लासेस जूनियर असिस्टेंट और इसके लिए क्लासेस UPSSC की लगाई जाए। तो चलिए जल्दी बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, और अगर जो आपका यहाँ पे कोई डाउट हो वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।